हैं परेशान अगर आप ब्लॉकिंग ऑफ ईडब्ल्यूबी से, अगर आप ईडब्ल्यूबी ईवे बिल जनरेट करते हैं उसकी ब्लॉकिंग आपकी हो चुकी है, या ऐसा कुछ आपने कर दिया है जिसकी वजह से आप उसके सर्कमस्टांसेस में आते हैं कि हाँ आपका ईवे बिल जनरेशन ब्लॉक हो जाएगा, तो इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ब्लॉकिंग है क्या EWB का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैक्स फॉर वेल्थ। मैं रंजन आज एक बार फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें ईवे बिल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ब्लॉकिंग है क्या, 2 दिसंबर को एक अपडेट आई है जीएसटी काउंसिल के थ्रू कि अगर कोई टैक्स पेयर ईवे बिल जनरेट करता है या फिर कोई काउंटर पार्टी उसके अगेंस्ट में ईवे बिल जनरेट करती है, वो ईवे बिल जनरेशन की प्रोसेस को ब्लॉक कर दिया जाएगा। किस केस में, अगर उस टैक्स पेयर ने अपनी कॉन्टीन्यूसली मीन्स कंजिक्यूटिव 2 GSTR 3B returns नहीं फाइल करी है। 2 GSTR 3B returns अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं, तो अभी जो जिस दिन अमेंडमेंट आई है उस दिन के केस को अगर लिया जाए, मीन्स 2 दिसंबर, सो अगर उस टैक्स पेयर ने GSTR 3B सेप्टेम्बर मंथ और अक्टूबर मंथ की फाइल नहीं करी है, तो 2 दिसंबर से उसकी जो EWB फैसिलिटी मींस ईवे बिल जनरेशन फैसिलिटी है वो ब्लॉक हो जाएगी। ब्लॉकिंग के बाद अनब्लॉकिंग का प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, बट अभी की जो वीडियो है वो इसलिए है कि ईवे बिल ब्लॉकिंग हो गई, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका ये आता है कि जो अगर आपका टैक्स पेयर है, एक साइड से आपकी ईवे बिल जनरेशन ब्लॉक हो चुकी है, बट क्या काउंटर पार्टी भी आपकी ईवे बिल जनरेशन कर सकती है या नहीं कर सकती है? दोस्तों उसके लिए साफ जीएसटी पोर्टल ने मना कर दिया है कि आपका सप्लायर या आप रिसिपिएंट हो या कोई अदर काउंटर पार्टी आपके ऊपर भी ईवे बिल जनरेट नहीं कर पाएगी। इस केस में आपको ईवे बिल जनरेशन को अनब्लॉक ही कराना पड़ेगा, तभी आप ईवे बिल जनरेशन की फैसिलिटीज़ को फिर से यूज़ कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट, अगर आपने पहले ईवे बिल जनरेट किया हुआ है, मींस प्रायर टू ब्लॉकिंग आपकी GSTIN की ब्लॉकिंग हो चुकी है, उससे पहले आपने ईवे बिल जनरेट किया था, उस फैसिलिटी के बारे में क्या होगा? ये क्वेश्चंस के लिए GST पोर्टल ने बहुत ही सटीक रिप्लाई दिया है कि पहले के जो बिल्स आपने जनरेशन कर चुके हो आप, मींस ईवे बिल आपका ऑलरेडी जनरेटेड है, उसकी फैसिलिटी, वो फैसिलिटी आपकी जैसे थी पहले वही है, अपडेशन जितनी हो चुकी है उतनी ही रहेगी, उसके आगे की अपडेशन को रोक दिया जाएगा टिल अनब्लॉकिंग ऑफ ईवे बिल जनरेशन फैसिलिटी। मींस ब्लॉकिंग से लेकर के अनब्लॉकिंग के प्रोसीजर तक आपकी जितनी भी फैसिलिटीज़ है वो बंद कर दी जाएंगी। दोस्तों इसके बाद अगर आपको करना क्या है, अगर आप एक ट्रांसपोर्टर हैं, आप सप्लायर हैं, जब जहां आपको ज़रूरत पड़ती है डेली लाइफ में कि ईवे बिल आपको डेली जनरेट करना ही पड़ता है, उस केस में आपको यही करना है कि आप रेगुलर टाइम पे अपनी GSTR 3B returns भरते रहें टाइमली, और अगर पेनल्टी हो जाती है तो पेनल्टी के साथ भी उसको भरते रहें, बट ये लैप्स ना हो कि कोई भी 2 consecutive months आपके ऐसे ना आए जहाँ पर आपको ब्लॉकिंग की समस्या झेलनी पड़े। हालांकि मैं आपको ब्लॉकिंग को अनब्लॉक कैसे कराना है उसके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें आपको ये बताऊँगा कि ब्लॉकिंग से आप, अगर आपका GSTIN ब्लॉक हो चुका है या फिर आपकी EWB जनरेशन जो आज हमारा मेन टॉपिक है वो ब्लॉक हो चुका है, तो उसे आप अनब्लॉक कैसे करा सकते हैं। दोस्तों इस जानकारी को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपको ये लगे आपके जितने भी कॉन्टैक्ट में ट्रांसपोर्टर हैं या फिर आप सप्लायर हैं उनके, आपके जो रेसिपिएंट हैं, इनकेस अगर रेसिपिएंट भी करता है ये काम, उसकी GSTR 3B फाइल नहीं है, तो भी आपका EWB ब्लॉक हो सकता है, उसने ना वो जनरेट कर पाएगा आपके ऊपर, ना आप उसके ऊपर EWB जनरेट कर सकते हो, मींस ना रिसीवर ना ही सप्लायर और ना ही अदर कोई काउंटर पार्टी। ये वर्ड, ये स्लोगन आपको याद करना होगा, जिससे कि आपके माइंड में हमेशा बना रहे कि हाँ GSTR 3B रेगुलर टाइम से अगर लैप्स हो जाता है पेनल्टी के साथ भी मुझे फाइलिंग करनी है, जिससे EWB ब्लॉक ना हो, इस समय रेगुलर यूज़ में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आज की इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत थैंक्स। हेलो।